मारो भी मारो भी मैं आया मैं आ रहा जी 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 मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। प्रशांत मैं पूछना चाहता हूँ, अभी मोदी जी जब इसराइल गए थे तो उनकी रणनीतियाँ क्यों नहीं अपनाते? ये पूरा नहीं हो सकता, आप हिंदुस्तान के अहम टुकड़े हैं। नहीं 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 गलत दिया आपको वीडियो, नहीं गलत बयानी नहीं है, आगे की बात कर रहा हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ, ये सच्चाई की बात कर रहा हूँ, जिनसे इंटरनेट पर बैन है और कल पर्चे की बात कर रहा हूँ, पर्चे की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात की आवाज आगे की लाइन सुनिए, लाल चौक पे आगे की लाइन सुनिए, उन्होंने ओपन किया है, मैं आगे बढ़िए कश्मीर था, मैं आगे बढ़िए बिल्कुल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप देखिए और हमारी संस्कृति देखी कि हमने जमहूरियत और कश्मीरियत को सलूट किया कश्मीर के लोग, लेकिन कश्मीर में जो गद्दार बैठे हुए हैं, कश्मीर में अभी मेरे भाई ने कहा एक वो पटना से जिन्होंने कहा कि नौजवान ज्यादातर आतंकवादी हैं, उनके आकाओं को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उनके आकाओं को पकड़ना होगा तब भारत में शांति आएगी, तब भारत के अंदर आप भारत की अखंडता पे किसी की औकात नहीं होगी। आंख उठा के देखिए, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा आप बोले, क्योंकि मुझे अच्छा और लगता जब वाली घटना पर भी बोलते नहीं देखिए मैं बिल्कुल उसको कंडम करता हूँ, वो बिल्कुल अमानवीय है, वो हरकत अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए भाई नहीं देखिए आप इनकी आवाज निकलने लगी, लेकिन जब मैं उन आतंकवादियों को कोट कर रहा था तो आप मेरे नहीं पर्चों में लिखा हुआ है हाथों में चूड़ियां पहन के नौजवानों ने भारत के, नहीं तो फिर कैसी बात कर रहे हैं आतंकवादी के साथ, बिल्कुल समर्थक पार्टी के साथ जब आप सरकार बनाएंगे जिस पीडीपी ने सुनने के बाद मुफ्ती सईद ने कहा कि हम पाकिस्तान को शुक्रिया करना चाहते हैं, हम अलगाववादियों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, नहीं 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 जो मुक्ति महबूबा महबूबा मुक्ति जिसको कहती है हमारा बच्चा, उसके साथ आप जब सरकार बनाएंगे तो आप पे सवाल है, जो मानव अधिकार जो आयोग है वो अपनी सोच में आ गई, वो अपनी सोच में आ गई, क्या बात है, हम उसे कंडेम कर रहे हैं, हम उसे कंडेम कर रहे भारत पर, मैं आपकी सरकार ने हम कंडेम कर रहे, आप लोगों ने माहौल को खराब किया हुआ है, वो हमें उठा चाहिए।